हेलो स्टूडेंट्स हो आर यू इन द प्रीवियस क्लासेज वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक चैप्टर टू साइंस क्लास एट चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और वो हमारे लिए किस तरह से किस प्रकार से यूजफुल है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर शम अदर्स आर हार्मुल एन काउज डिजीज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं यानी हम वो हमारे लिए लाभदायक हैं और ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए डिजीज काउजिंग है जस्ट आज अभी हम लोग जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चर्चा करेंगे तो जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो ये वायरल डिजीज है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस की वजह से हो रहा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच विच आर बेनिफिशियल टू अस डियर स्टूडेंट्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका काफ़ी यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में जैसे कि कर्ड को प्रिपरेशन करने में ब्रेड को बनाने में और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल ऑल्सो एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है दे आर ऑल्सो यूज इन क्लिनिंग ऑफ ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट जस्ट एज वेजिटेबल पील्स रिमेंश ऑफ एनिमल्स फेशज ई टी सी ये जितने भी चीज़ होते हैं जैसे कि आ, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है फैश ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स बींग और वेजिटेबल पील्स जो आ, सब्जियों का जो गार्बेज बनता है जो काटने के बाद उन सभी को शराने में गलाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और उसको डिकम्पोज करने में इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन दवा को बनाने में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen agriculture field mein uh, nitrogen ko fix karne mein jo nitrogen fixation bacteria hota hai rhizobium unka bhi kafi role hota hai agriculture production mein making of curd and bread dear student curd और bread को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या use होता है इसको यहाँ हम लोग discuss करेंगे और एक activities से इसको understand करेंगे कर्ड कंटेंट्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड में दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एक है बैक्टेरियम लैक्टोबैसीलस उन्हीं बैक्टेरियम में से एक जो बैक्टेरियम का नाम है लैक्टोबैसीलस जो कि प्रमोट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो कर्ड को फॉर्म करने में काफ़ी हेल्प करता है इट्स मल्टीप्लाइज इन मिल्क जैसे ही जो ही हम लोग इस आ, जो स्टार्टर होता है दही उसको अलग से हम लोग मिल्क में ऐड करते हैं तो इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इन टू कर्ड जैसे उसको हम लोग दही को दूध में मिलाते हैं तो वो तेज़ी से मल्टीप्लाइज करता है वहाँ मल्टीपुल ग्रोथ होता है उसका और वो मिल्क को तुरंत कन्वर्ट कर देता है कर्ड में बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बैक्टीरिया का ऑल्सो यूज होता है किस चीज़ में तो बेकिंग इंडस्ट्री जैसे कि पिकल्स मेकिंग ऑफ़ चीज़ चीज़ बनाने में पिकल्स बनाने में मैनी अदर यूजेज और जो इसका यूज होता है एन इम्पॉर्टेंट इनग्रीडेंट्स ऑफ रवा इडलीज एंड भटूराज छोला भटूरा हम लोग खाते हैं तो उसमें वटूरा जो बनता है तो उसमें कर्ड हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं कैन यू कैन यू गेस इज़ वाइट क्यों आप कभी गेस किए हैं कि ऐसा क्यों दही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं शोर टू अंडरस्टैंड दिस वी टेक एन एक्टिविटी फर्स्ट इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे टेक हाफ़ के जी फ्लोर आटा और मैदा हम लोग हाफ़ के जी फ्लोर लेंगे वो चाहे आटा हो या फिर मैदा हो मैदा ही लेंगे मैदा का ही बनता है एड शुगर एंड मिल्क एंड मिक्स विथ इट उसमें क्या करेंगे तो थोड़ा सा शुगर मिलाएंगे और उसमें वॉम वाटर मिलाएंगे एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर को भी मिला देंगे एंड नी नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो और क्या करेंगे तो उसे एक सॉफ्ट डो को तैयार कर लेंगे यानी कि डोमिस आटा उसको गूद करके हम लोग आटा बना लेंगे सॉफ्ट जिससे जिसकी वो सॉफ्ट हो जाए वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर टू आवर्स आफ्टर टू आवर्स वी ऑब्जर्व दैट दो घंटे के बाद हम लोग क्या देखते डिड यू फाइंड द डो राइजिंग क्या आप लोग देखेंगे कि डो जो है सो दो घंटे के बाद राइज कर गया फूल गया फ्रॉम दिविटी वी कैन से दैट द डो इज राइजिंग बिकॉज द ईस्ट प्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यूरिंग डिस्पेरिसन बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड increase इट्स वॉल्यूम इस एक्टिविटी से हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं समझ पाते हैं कि डो जो है सो वो तुरंत ही वो राइस कर जाता है आफ्टर टू आवर्स बिकॉज जो ईस्ट पाउडर हम लोगों ने उसमें ऐड किया था वो तेज़ी से उसमें सी ओ टू गैस को प्रोड्यूस करता है और वो सी ओ टू गैस आटे के बबल्स के अंदर जो उसके अंदर जो बबल्स हैं उसमें जाके वो टोटली फिलअप हो जाता है वो भर जाता है उसे डो के जो पोर्स होते हैं उसमें जाके वो भर जाता है और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स यही वो प्रोसेस है ईस्ट का जो जिसको यूज़ करके बेकिंग इंडस्ट्री में केक बनाने में पेस्ट्रीज बनाने में और ब्रेड्स बनाने में यूज़ होता है और भी अदर बहुत सारे यूज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे कि कमर्शियल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब देखिए कमर्शियल यूज़ मीन्स ऐसा यूज जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिस चीज़ को हम लोग फायदे के लिए यूज़ करते हैं यानी बिजनेस के लिए मुनाफा कमाने के लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हम लोग अल्कोहल बनाने में और वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में होता है फॉर्मेशन में इसका यूज होता है एसिटिक एसिड क्या है एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसको हम लोग इसका जो सिक्स टू एट परसेंट सॉल्यूशन होता है वो विनेगर कहलाता है इस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन फॉर दिस परपज विस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रजेंट इन ग्रेन्स बार्ली बीट, राइस एंड क्रस्टर्ड फ्रूट जूसेज नेचुरली हम लोग इसको भी बना सकते हैं जैसे कि आ, जो कि ग्रेन्स में प्रजेंट होता है जैसे कि लाइक बार्ली वीट राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेज ई टी सी इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं देख सकते हैं इस एक्टिविटी से हम लोग समझ सकते हैं इसको जो कैसे बनाया जाता है टेक ए फाइव हंड्रेड एम एल बीकर लगभग पाँच सौ एम का बीकर लेंगे एक फील्ड ऑफ थ्री फोर्थ विद वाटर उसको तीन चौथाई लगभग पानी से भर देंगे डिजोल्व टू टू थ्री टी स्पून ऑफ़ शुगर इट। उस बीकर में लगभग दो से तीन चम्मच हम लोग शुगर को ऐड कर देंगे ऐड हाफ ए स्पून ऑफ़ इस पाउडर फिर उस वाटर में उस डिजोल्व वाटर में जिसमें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है थोड़ा सा उसमें एक स्पून हाफ स्पून लगभग इस्ट पाउडर को भी डाल देंगे टू द सुगर सॉल्यूशन फ इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर फोर टू फाइव आवर्स फिर चार से पाँच घंटे के लिए उसको वार्म प्लेस पर रख देंगे नाउ स्मेल द सॉल्यूशन फिर जो है सो कुछ चार पाँच घंटे के बाद हम लोग उस सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे कैन यू गेट ए स्मेल क्या आपको कोई इसमें स्मेल आता है ऑब्जर्वेशन इसका ये निकलता है इसका इन्फ्लुस हम लोग ये जानते हैं कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज सुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल बाईस्ट एक्चुअली में वो जो स्मेल हम लोग स्मेल uh, जो हम लोगों के नाकों तक नोज़ तक पहुँचती है वो एक्चुअली में क्या है तो स्मेल ऑफ अल्कोहल है जो कि एज शुगर से वो निकला है निकला हुआ है और वो कन्वर्ट हो गया है किस चीज़ में तो एल्कोहल में बाईस्ट ईस्ट पाउडर से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ़ शुगर इंटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन यही वो प्रोसेस होता है जिसमें यदि शुगर कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन 1857, फिफ्टी सेवन अट्ठारह ईस्वी में लुइस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किया तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लिए किस 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 फील्ड में कितना यूज़ है और कितना ये इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब तक के लिए थैंक्स स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग एंड सेफ बाय थैंक्स